तो आज है करवा चौथ, सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो हम भी बनाते प्रसाद के लिए, ये सूजी और घी डाल दिया इसमें, और सूजी डाल देंगे इसमें। तो ऐसे तो बहुत सा टाइम बना दिया प्रसाद, पर आज करवा चौथ है तो कुछ भोग के लिए बनाना है, इसलिए मैं सोचा छोटा सा वीडियो भी बना लेते और सभी को हैप्पी करवा चौथ भी बताते। तो ये सूजी हो गया, अच्छे से लाल हो गया, तो इसमें हम थोड़ा इलायची भी डाल देंगे। मैंने कूट के रखी, इसको खोल के डाल दूंगी इसमें दो इलायची। और इसमें मीठे के लिए डाल रही हूँ मैं गुड़ का पानी, मैंने गुड़ डाल के रख दिया और थोड़ा सा बना देंगे पूजा के लिए। तुम्हारे कोई इतना पसंद नहीं करते, हम तीन ही जाने हैं तो पूजा के लिए तो कुछ तो बढ़ाना ही है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पकड़े देंगे जब तक सूजी ना फूल जाए। अभी सूजी फूलने लग गया है अच्छे से, और अभी इसको अच्छे से होने देंगे। तो मैंने ये रिफाइंड तेल बनाया, घी में नहीं बनाया, इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डाल देंगे, घी से होते हैं ना शुद्ध हो जाती है हर चीज़, तो इसलिए। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, घी से ऐसे भी अच्छा बनता है, और ऊपर से बोलते कि घी डालने से शुद्ध हो जाता है अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो, घी ज़रूर डालना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रसाद तैयार, अभी हम बनाएंगे पूरी थोड़ी सी। ये प्रसाद हो गया हमारा तैयार, इसको निकाल देते हैं हम उसी में जिसमें था गुड़, और इसमें बनाएंगे पान पूरी। गया तैयार हमारा प्रसाद, डालते पूरी के लिए तेल, हम फिर बनाते पूरी। तो अभी करते हैं हम पूरी बनाना शुरू। पूरी में मैंने आटा गुंथी बार नहीं दिखाया, आटे में थोड़ा घी डाला है 4 चम्मच और थोड़ा सा नमक डाला है, बस नॉर्मली आटा रखा है जैसे पूरी के रोटी के लिए भी रखते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारे को रोटी भी बनानी है। तो ये बनेगी मेरी पूरी पूरी पूरी। तो ये तेल थोड़ा अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, इसलिए अच्छे से फूली नहीं है। तो कढ़ाई हमने इसमें प्रसाद बनाया था, थोड़ी कढ़ाई ऐसे लग रही है गंदी सी, और इसमें पिए भी अलवा बनाया था इसलिए ऐसे। तो इस तरह से बनाएंगे हम पूरी। इसी तरह से बनाएंगे हम पूरी, और आप लोग कैसे बनाते हैं करवा चौथ कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे तो मैंने उदापन करके रखा है पर तब भी नहीं छोड़ सकते, फिर भी करती हूँ व्रत। तो ये एक बार चाय पानी पी लेते उदापन करने से। तो अभी इसी तरह से बनाएंगे सारी पूरियाँ। चांद निकल गया है, हम करते हैं पूजा।
और मंदिर मारा यहाँ फिक्स नहीं है, ऐसे ही टेम्परेरी है, थोड़ा सा लगा रखा है। तो ये हमारा प्रसाद अभी हम देते हैं अर्ध छत पर, उसके बाद लगा के भोग। तो हम जाते छत पर, का करवा चौथ हो गया सबके लिए, हैप्पी करवा चौथ। और आप लोगों का करवा चौथ कैसे रहा? हमारी तो पूजा हो गई, अभी सब लोगों की इनकी हो गई। तो ऐसा रहा हमारा करवा चौथ, आप लोग का कैसा रहा? इधर चांद निकलता बहुत लेट, जा रहे थे हम नीचे, वहाँ निकल जाता 8:30 बजे। तो हैप्पी करवा चौथ सभी के लिए, सभी का हो गया होगा व्रत, अच्छे से रहे सभी को। और मेरे वीडियो को करना लाइक। जय माता दी।